ये हाथ है लातों से करती बात है मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे रैपटों के सिलसिले जो चल पड़े हेलो गोप्स इनसाइट आई एम सो रबिश क्या साड़ी खो गई है तो फिर दूसरी खरीद लो ना यार अब पुलिस यार अब पुलिस साड़ियां ढूंढेगी तुम्हारी यार क्या साड़ी में बीवी लिपटी हुई है ओह नो यार तुम ऐसे बोलो ना फिर बीवी खो गई है एक काम करो चौकी आओ और आके रिपोर्ट लिखवाओ हाँ आ जाओ हाँ ठीक है वेल दुनिया में कैसे कैसे हैं लोग इस दा हसीना है अगर राज कपूर है तो मैं हूं प्रेम रोग इस दा भैया क्या ओ बिल्लू क्या हुआ भैया कुछ नहीं यार एक आदमी की बीवी खो गई है वो रिपोर्ट साड़ी की लिखा रहा है बताओ उसको बीवी की फिक्र नहीं है साड़ी की ज्यादा फिक्र है तुम क्यों रो रहे हो देखिए ना भैया कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में मतलब जिनके पास बीवी है उनको बीवी की कोई कदर नहीं है और जिसके पास बीवी की कदर है उसके पास कोई बीवी नहीं है कोई बात नहीं मैं तुम्हें यार रोते हुए नहीं दे सकता मेरे पास बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं तुम एक गर्लफ्रेंड ले लो मेरी मुझे बीवी चाहिए भैया दादी अम्मा नहीं चाहिए वेल क्या हाल चाल है चौकी के सब मजे में है जी आप सुनाओ क्या हाल चाल मैं थारा रिश्तेदार हो रही हूँ रिलेटिव हो रही हूँ जो गठरी लेके आई है छुट्टियों में हेलो के हाल चाल बताइए कुछ अपनी सुनाइए कुछ मारी सुनिए हाँ नहीं पिछले महीने जी लप्पी लूथरा के आइसक्रीम खाते हुए दांतों का सेट गिर गया था वो नया लगवा लिया कि नहीं जो पूछा मैंने थारे से well, I'm sorry. चल हट अरे मिस चौड़ाला आपने खबर पढ़ी क्या हो गया सर वो चप्पड़गंज जो चौक है ना वहां पर जो कंगाल बैंक ऑफ कनाडा है वो रात को लुट गई सर चोरी किसने की पता लगा पता तो नहीं लगा वहां के जो लोकल पुलिस वाले पता लगा रहे लेकिन उन्हें शक है कि बैंक के मैनेजर ने चोरी की क्योंकि वो गायब है और इसलिए मुझे फोन करके बोल रहे कि रिक्वेस्ट कर रहे हमें कि आके उनकी मदद कर ले तो हम चलते हैं वहां पर ठीक है सर और अगर पकड़ा जाए तो हमारी तरफ से दो लप्पड़ भी जड़ दीजिएगा अरे कस कस के देंगे है, है! चले सर चलते ओके व्हाट इज दिस सॉरी मैं नेक्स्ट टाइम ये ऐसे कर लूंगा कोई नहीं गलती होगी सॉरी अरे हाथ धो गई जीना मुश्किल कर दिया मेरा स्टॉप रहो नमस्ते मैडम हम खटोला हैं खटोला मतलब वो जीनी वाला खटोला अरे लवली मतलब उड़न खटोला थारे पे बैठ ले तू ले जाएगा हमें सात समंदर पार नहीं नहीं मैडम हमारा नाम खटोला है लल्लन खटोला नमस्ते मैडम और हमें लल्ली खटोला वाह लल्लन और लल्ली राम मिलाए जोड़ी समस्या बोलो अपनी मैडम मैडम हमारे एक पड़ोसी हैं मिस्टर टटोला उनके तोते ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है मैडम यार तोते ने कैसे कर दिया तुम्हारा जीना मुश्किल और तुम्हारी बाय द इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि तोता हमारा फेवरेट पक्षी है हमारा निकनेम भी मिट्ठू से है हाँ तो क्या यार इसमें एक राज खुल गया एक तो इसमें इतना चौंकने वाली कोई बात नहीं है इट्स अ स्वीट नेम मिटू हुई 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 हाँ एक मासूम से तोते ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा मैडम वो तोता इतना बदतमीज है कि क्या बताऊं जब भी मेरे ये आंगन में निकलते हैं ना मैडम वो उड़ के हमारे छज्जे पे आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है तुम ही बता दो मैं क्या बताऊं मैडम मैडम मुझसे बोलता है तू चोर है तूने चोरी की है तू चोर है अब बताइए मैं चोर लग रहा हूँ क्या लगने की बात पे मत जाओ ये बताओ कि उसके जो मालिक हैं मिस्टर के नाम टटोला जी हाँ उससे क्यों ना करी तुमने शिकायत मैडम मिस्टर टटोला से मैंने कितनी बार कही है लेकिन वो हंसी में टाल जाते हैं
कहते हैं देखो भाभी जी, पंछी नदियां पवन के झोंके, ये तो आजाद होते हैं, इन्हें कोई कैसे रोक सकता है बताओ। और तो और मैडम, उसने अपने तोते का नाम भी आजाद रखा है। क्या बताएं मैडम, भरे बाजार चार आदमियों के सामने हमारी बेइज्जती कर देता है हमेशा। परसों की बात ले लो मैडम, हमारे घर पे खाने को आए मेरे नंद और नंदोई, मैडम उनके सामने आ गया छज्जे पे और जोर जोर चिल्लाने लग गया, तू चोर कैसा है, चोर तू है, चोर बता तेरा हाल चाल कैसा है, नाक कटवा के रख दी हमारी। ठीक है मैडम, क्या बताए, हमारे अब रिश्तेदार भी हमें शक की नजरों से देख रहे हैं मैडम। ठीक है बालको। हाँ जी जी मम्मी जी। जरा तोते के मालिक ने बुलवाओ, बातचीत करें। मैं अभी आपके सामने पेश करता हूँ वो तोता इज़दा, हसीना अगर दादाजी हैं तो मैं हूँ पोता इज़दा। तू खुद दादाजी है। ये करा ली, जाओ ले आओ। Follow him. Well, mom. नहीं कुछ नहीं। हेलो मैडम, हम है पप्पू टटोला। के नाटक लगा रखा है टटोले? कैसा नाटक मैडम? अच्छा कैसा नाटक भाई, पेट्स पालो तुम और काम बढ़े हमारा। थारे पड़ोसी ने थारे खिलाफ यहाँ रिपोर्ट लिखाई है कि थारा तोता उसको परेशान कर रहा, चोर चोर कह रहा उसने। मैडम वो तो वो तोता कह रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे। अरे तो ओनर तो तुम हो रहे हो ना, जिम्मेवारी किसकी है, तुम्हारी है कि हमारी है, रोकता क्यों नहीं उसे? Yes! अब मैडम आपको क्या बताए, पंछी नदिया पवन के झोंके, इन्हें कोई सरहद ना रोके, तो हम कैसे रोक सकते हैं? ऐसा है, जो मैंने थारे कान के नीचे खींच के एक लप्पड़ बजा दिया ना, तो सरहद तू भी ना देखेगा, सीधे अफगानिस्तान के गरम रेतीले में पड़ा होगा। लमलेट क्या तोते को तमीज क्यों नहीं सिखाई? एक मिनट मैडम, अभी बताते हैं। अरे आजाद, ये है हमारा आजाद तोता। ये 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 मैडम, ये इतना इतना बिगड़ गया ना कि ये हमारी भी नहीं सुनता। पता है इनकी वजह से ही हमारी बीवी से हमारा तलाक हो गया। Well, तुम्हारी बीबी से क्यों हो गया तुम्हारा तलाक इज़दा? हसीना अगर सियानी है तो मैं भी हूं चलाक इज़दा। अब क्या बताए दादाजी, हमारी बीवी मायके गई थी, ठीक उसी वक्त है ना हमारी कॉलेज की गर्लफ्रेंड हमारे घर पे आई, जिसे हम राखी बंधवाते थे, लेकिन ये तोता जैसे हमारी बीवी घर पे आई तो बोलने लगा, ए इसकी गर्लफ्रेंड आई थी, इसकी गर्लफ्रेंड आई थी, जबकि मैडम ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये झूठा है। वो गर्लफ्रेंड थी। देखा मैडम कितना झूठ बोल रहा है ये। अबे यो नहीं बोल रहा झूठ, ये बोल रहा जो तुमने सिखाई है। पंछी बॉय सीखता है जो तुम सिखाओगे, तुमने बदतमीजी सिखाई है, यो बदतमीज हो गया। पंछी मासूम हो है, ठीक है ना? हाँ बिरजू, हाँ अभी आते हम। हाँ ठीक है। वैसे मैडम एक बार ना मुझे एक ज्योतिषी ने बताया था कि मैं पिछले जन्म में एक तोता था और इस जन्म में बिलौटा। तो मैडम मेरे बारे में एक ये राज की बात है कि मैं पंछियों का दिमाग पढ़ लेता हूँ। अच्छा। हाँ मैडम, और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो इस तोते को मैं कुछ दिन अपने पास रखना चाहता हूँ ताकि मैं इसे तहजीब सिखा दूँ। भाई हमारी यानी कि इंसानों की बिरादरी में तो तू फेलियर है, पर हो सके कि जानवरों के पक्षियों में तू वर्क कर जाए।
थारी वो बात सुन के मारे दिल में एक दीपक सा जला है कॉन्फिडेंस का थारे ऊपर। yes! मन ने लग रहा है तू कर जाएगा इसमें खेल। ठीक है सुनो भाई, तुम एक काम करो, टटोले अपने तोते को कुछ दिन चौकी में छोड़ जाओ, एक क्रेश कोर्स हम करवाएंगे उसे तमीज का। ओके ठीक है सर। मैं क्या बता दूं? कुछ मत बताइए। अब ये तोता बोलेगा और जब जब बोलेगा फूल झड़ेंगे। मेरे इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद ये कॉलेज में प्रोफेसर बनेगा तहजीब का। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इनका नाम है ना आजाद है, तो इन्हें है ना पिंजरे में बंद कीजिएगा। ठीक है ओके। इन्हें आजाद रहने दीजिएगा। आजाद ओवर टू यू। हेलो आजाद, चल भाग यहां से। आओ सिखा ले। आजाद आजाद क्या बोर कर रहा है? देखो आजाद, ऐसा नहीं बोलते, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़ा भाई कैसे? कैसे? तू तो इंसान है। हाँ अभी इंसान हूँ मैं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि पिछले जन्म में हो सकता है कि तुम मेरे भाई हो, क्योंकि पिछले जन्म में मैं भी एक तोता ही तो था। अरे हाँ, तूने बताया था भैया, आई लव यू। आई लव यू टू। अब देखो आजाद, जैसे जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे वैसे तुमको बोलना है। ठीक है? अच्छा भैया एक बात बोलो, तुम्हारी मैडम मस्त है? बकवास मत कर, ऐसे फालतू की बातें नहीं करते हैं आजाद। देखो ये एक चौकी है, वो हमारी सीनियर इंस्पेक्टर है, उनसे ऐसे बदतमीजी नहीं करना। जब मैडम चौकी में आएंगी ना तो उनको बोलना गुड मॉर्निंग मैडम। ठीक है? गुड मॉर्निंग मैडम। और वो पोपले को क्या बोलूं? उनको बोलना कि ए बुड्ढे, लप्पी लूथरा बुड्ढी कैसी है। ठीक है। What a rubbish! कुछ नहीं भैया, मैं जरा आजाद को तहजीब सिखा रहा था। Hi bro, how you are Izda? मुझे है तुमसे बहुत प्यार Izda। ए बुड्ढे, लप्पी कैसे है? ये तुम उसको तहजीब सिखा रहे थे? अभी सीखा नहीं है ना भैया ये। इसको लप्पी लूथरा के बारे में कैसे पता? मैंने नहीं बताया इसको, मैंने इसको नहीं बताया। हो सकता है इसने उड़ते उड़ते कहीं आप लोगों को भटकते हुए देख लिया हो। बिलोटा छोटा, बिलोटा छोटा, इसने बताया लप्पी के बारे में। भैया आपका छोटा भाई होने के नाते क्या मैं आपसे इतना सा भी मजाक नहीं कर सकता? तो कल को मुझे कुएं में धक्का देके भी ऐसे बोल देना। अबे कौन किसको कुएं में धक्के मारने की बात कर रहा है बे? ये आए बोलो के सुनो, हमने सुना है चौकी में तोता है, पैरट कहाँ है? आए ना सर, ये खड़ा बैठा है। अरे हाउ क्यूट। हेलो माय सेल्फ बजरंग ब्रदर जो मचा देता है गदर। व्हाट इज योर नेम? आजाद। आजाद आजाद, सो स्वीट यार, नाम बोल रहे अपना है। एक्सक्यूज मी सर, आपके साथ बड़ा तमीज से पेश आ रहा है। हमारे साथ तो बड़ा बदतमीजी से पेश आ रहा था। हमारा मुंह मत खुलवाओ हैं। हुई 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 हुई। अगर खुल ही गया तो सुन भी लो अभी। वो तोते को भी पता है कि किससे किस लेवल की बात करनी चाहिए, समझ गया? ये पोपाई 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 पोपाई। हेलो आजाद, सुनो भैया एक छोटा सा काम है। अपने अपने कान बंद करो। काम कौन सा? आजाद वो जो है ना चौकी में मिस चौटाला, तुम उनको हमारी तरफ से जाकर एक बात कह दो ना प्लीज। I love you। अबे नहीं, कान बंद है ना।
आई लव यू नहीं भैया, आई लव यू बहुत डायरेक्ट हो जाएगा। उनसे जाकर तुम ये कहो हमारी तरफ से कि आज वो बहुत सुंदर लग रही है और हम उनको बहुत याद करते हैं, दिन रात बस उन्हीं को याद करते रहते हैं, बस ये बोल दो जाकर। बदले में हम तुमको 50 रुपए देंगे। 50 रुपीज? अमृत खिला, अमृत खिला। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया कि तुम इंसान नहीं हो इनकी तरह। चालू, तुम एक स्वीट लिटिल इनोसेंट तोते हो। अरे अमरूद लाएंगे तुम्हारे लिए, बहुत सारा अमरूद। अरे सुनो, खोल दुकान। आई लव यू आजाद, आई लव यू बेबी। चलते हैं, आते हैं हम। ख्याल रखना इसका। पता नहीं किस बात के लिए अभी तो इसको आई लव यू बोल के गए हैं, लेकिन बाद में आके इसको गालियां देंगे, क्योंकि मुझे पता है ये तोता डील कुछ और करता है और काम कुछ और करता है। यार ये इसका तोते का चेहरा देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरा ये मजाक उड़ा रहा हो कुछ ऐसा। चल बटे। नहीं पूछूंगा दोबारा। मैडम, मैडम मुझे बचा लीजिए, मेरे जान के दुश्मन मेरे पीछे पड़े हुए हैं। दरअसल मेरी कोई गलती नहीं मैडम, मुझे लोग मार डालेंगे, मुझे बचाइए मैडम। क्यों, क्या कर दिया तैने जो मार डालेंगे लोग? मैडम हमारा बैंक लूट गया मैडम, और पब्लिक मुझे मार रही है। दरअसल मेरी कोई गलती नहीं है मैडम, प्लीज मैडम मुझे बचा लीजिए। तैने लूट लिया बैंक? नहीं मैडम, मैं तो सिर्फ काम करता हूँ बैंक में। फिर कौन लूट गया बैंक? और दरअसल मैडम कल रात को मैनेजर साहब और उनके साथ एक आदमी आया हुआ था, ये CCTV फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है मैडम। मुझे तो लगता है उन्होंने ही कुछ गड़बड़ किया मैडम, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ। यार तने शर्म ना आती, तू इतना विशाल काय आदमी हो रहा है, है? गेंडे सी थारी चमड़ी हो रही और तू ऐसा डर रहा। आ चल दिखा। जी मिस चौटाला। हाय। यस सर, हेलो सर, मैं से एक बात कहूँ? जी। आई हैव टू एडमिट कि इस तोते से आपकी बढ़ती फ्रेंडशिप देख के आई एम प्रिटी जेलस। मिस वेल, आपको तो जेलस होने की जरूरत है ही नहीं, और वैसे तो आप जानती है ना कि हम पशु पक्षी प्रेमी हैं। छोटा छोटा फसा, ये आपके प्रेमी है आपके। क्या बकवास कर रहा है मैं सच्चा हूँ, इन्होंने पाला, ये आपको मिस करते हैं। आपको मिस करते हैं। वे बैट बैट तोता आपका, बिल्कुल बकवास तोता है ये। सर इसमें बकवास वाली तो बात मन ने आ नहीं रही नजर, नहीं मतलब तोता तो देखिए मासूम जीव होवे, जैसा सिखाया जाएगा वैसी सीखेगा, वही बोलेगा। मासूम नहीं है ये। अरे मिस्टर डाला, हमें अभी अभी याद आया, हम वो सतीश करके आते। तफ्तीश सर। तफ्तीश, और थोड़ा सा दूध पी के आते हैं। दूध पी के आते हैं। प्लीज नॉक योर सेल्फ आउट सर विद सतीश। तफ्तीश। वाला सर, होगी तोते से दोस्ती। आए क्या रे आजाद, यार तू तो घना नोटी है और क्यूट भी, घना कमाल का है तू। तेने तो आज हमारे इंस्पेक्टर साहब की हालत खराब कर दी। मसा, मसा, मसा। अच्छा है, अच्छा है भाई, मन ने मजाक किए घने पसंद है, लेकिन बेटा मजाक और किसी का दिल दुखाना उसी मजाक से, इसके बीच में एक घनी थिन लाइन हो वे, उस थिन लाइन को कभी क्रॉस नहीं करना। yes! कभी किसी का दिल नहीं दुखाना अपने मजाक से। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा,
मैं जाऊं। हाँ हाँ जा जा भाई, गोपी छोड़ के आए उसको इसके मालिक के पास। I love you. Thank you. कुछ बोलो। तू ही तो बोल रहा है जब से, आई लव यू भी तैने ही बोल दिया। आज तक किसी आदमी की हिम्मत ना हुई मारे से यो कहने की। बताओ तोते ने कह दिया आई लव यू। अच्छा है। मैं पहुंचूं आंसू थारे। मैं ठीक हूँ जी, आई एम ओके। ओके है तो छोड़ के आ इसे अपने मालिक के पास। हाँ भी आजाद, कैरी ऑन, कम ऑन, कैरी ऑन। अबे जाना, बिल्कुल कतई कूली हो रहा है यहाँ। कैरी ऑन, चल। अच्छा ये बातें हो गई। हसा ना हाय ना हेलो ना दुआ ना सलाम प्लेजेंट्रीज। नहीं मतलब हो सके है कि हमसे गलती हो गई हो कोई, तो आप बोल सकते हैं। इस तरह नजरें चुरा के जाना सोवा नहीं देता आपको। छोटा रहा भी क्या बताया आपको, उस तोते ने हमें बड़ा शर्मिंदा कर दिया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर, शर्मिंदा होने वाली बात ही नहीं है। तोते ने तो कहना कि मारे से एक बाले जुर्म कर लिया था कि मैडम मैं मजाक कर रहा था। What? सर ने ऐसा नहीं कहा है। हैं? क्या बात कर रही है आप, सच में? Yes, सर। तोते ने मन ने बता दिया कि आप मजाक कर रहे थे। लेकिन आप सच में क्या कह रहे थे तोते से, यो सुन के मैं हर्ट हुई हूँ। मतलब अब क्या बोल दिया उस तोते ने? सर तोते ने मारे से कहा है कि सर आपकी बुराई कर रहे थे मैडम। क्या? यस सर। और तोते ने यह भी कहा कि सर ने कहा है कि कह देना मिस चौड़ाला से कि मैं बहुत बुराई करता हूं उनकी। ना ना मिस चौड़ाला, आप सोच भी कैसे सकती है, हम तो आपकी तारीफ करते हैं, सच में। नहीं सर ये तो आप कह रहे हैं ना, पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है जो खबरी से, मतलब अपना तोते से, यो ही नहीं। तोते ने मारे से यो भी कहा कि मैडम सर कह रहे थे कि हा मिस चौड़ाला जहां जाती हैं जहां है, मन ने उनकी कोई याद वाद ना आती, नो नेवर। चौड़ाला उस तोते का यकीन करिए, हम सच कहे तो हम आपको बहुत मिस करते हैं। हमने उसे ये कहा कि हम मिस चौड़ाला को बहुत मिस करते हैं। सच्ची प्लीज अपने केबिन में तस्वीर ले जा सकते हैं, क्योंकि मैं तो यो चेक कर रही थी कि तोता झूठा है कि बजरंग। वाव। हम जरा अभी आते हैं। चलो जल्दी चलो। अरे चुप करो तुम। अरे अरे मैडम मैडम गजब हो गया। अरे ये तुम्हारे संग कौन सा हो गया गजब? तोते को तो एकदम बढ़िया हमने वेल ट्रेन्ड एकदम बोटाई सुटेड बुटेड जेंटलमैन बना के भेजा था कि जाते ही तहजीब के जो है ना पर्दे गिरा दे। फिर कौन सी प्रॉब्लम लेके आए हो? प्रॉब्लम वो नहीं है मैडम, प्रॉब्लम ये है कि कल रात से मिस्टर टटोला गायब हो गए हैं। हैं? तुम्हारा पड़ोसी मिस्टर टटोला कल रात से गायब हो गया, ये बात तुम्हें कैसे बेरा है? अरे वो ऐसे मैडम कि वो जो आजाद है ना वो कल से हमारे घर के छज्जे पे बैठा है और बिल्कुल चुपचाप है, कुछ बोल नहीं रहा मैडम, खामोश है बिल्कुल। ये मिस्टर टटोला को आखिरी बार तुमने कब देखा था? मैडम कल शाम को मिस्टर टटोला हमारे घर आए थे, हमारे घर के आंगन में जो झूला है उसमें आके बैठ गए। मैडम यही है वो झूला, यहाँ पर टटोला जी आए और इनसे
इनसे बोले कि ग्रीन टी पीने का मन हो रहा है, भाभी जी बना दीजिए। हाँ मैडम, और पता है मैं ग्रीन टी बनाने में सिर्फ 5 मिनट लेती हूँ। मैं 5 मिनट में ग्रीन टी बना के लेके आई और देखती क्या हूँ, मिस्टर टडोला गायब। किसी प्रकार की कोई आवाज वगैरह तो नहीं सुनी? आवाज नहीं, नहीं मैडम, आवाज तो कुछ नहीं सुनी। नहीं, ऐसा भी हो सके कि मिस्टर टडोला जो है अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ निकल लियो। नहीं 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 मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। मैडम हम मिस्टर टडोला के इतने सालों से पड़ोसी हैं, मैडम कभी भी वो अपने तोते के बगैर बाहर नहीं जाते हैं। जब भी जाते हैं अपना तोता साथ में लेके जाते हैं। हाँ, अगर कभी जाते हैं अपने तोते के बगैर तो वो हमें दे के जाते हैं, कहते हैं भाभी जी हमारे तोते का ख्याल रखना, हम बाहर जा रहे हैं। इस बार पता नहीं टडोला जी कुछ बता के नहीं गए, और मैडम ये तोता जब से मतलब टडोला जी गए चुपचाप बैठा, कुछ पूछते बता नहीं रहा है। यस मैडम, मैंने नोटिस किया मैडम, एक भी बार इसने नहीं कहा इनको कि ये चोर हैं। ये ये। जबकि मैडम अंदर की बात ये है कि बता दूं मैडम, जबकि एक नंबर के चोर हैं, रोज मिस्टर टडोला का पेपर चोरी करके पढ़ते हैं और फिर वहीं जाके लगा आते हैं। अरे अपनी है। भाभी जी सुना है आप ग्रीन टी बनाने में बस 5 मिनट लगाती हो? यस मैडम, अभी गई अभी आई, तुम मैडम से बात करो। वाह, नहीं ए, गोद में बैठ जा। नहीं क्या है? मैं बिस्किट का इंतजाम करता हूँ आपके लिए। कौन हो तुम? है यहाँ पे क्यों आए हो? अरे तुम्हें पता है मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ। तभी तो तुझे यहाँ लाया हूँ ताकि तू इस बैंक की तिजोरी खोल सके। अगर अपनी जान प्यारी है तो ये तिजोरी खोल दे, वरना खोलता हूँ लेकिन पकड़े जाओगे ना तो तुम्हें बहुत लंबी सजा होगी। तू करना, खोलना यार। खोल। Ta-da! You are not expecting me, right? You are under arrest. हाँ तो भाई दुल्हनिया, जरा अपना घूंघट तो खोलो, हम भी तो देखें थारा नूरानी चेहरा। जरा पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा दिखा दो। yes! हम ईमान चौकी वाले हैं, कोई गैर नहीं है, समझ गए? अच्छा, मन्ने दिखे है यो दुल्हन ज्यादा ही शर्मीली चल रही, बाल को जरा उल्टा लटकाओ इसे। ओ बिल्लू! ओ पनीर मखनी, रहन दे, बाल खा जाएगी कमर, लचक जाएगी कलैया। अबे घूंघट निकालना, इसका चेहरा दिखा, टाइम वेस्ट कर रहा है। ओह सॉरी मैडम। बिरजू तू? हाँ बिरजू, तुम्हारे बैंक का चपरासी बिरजू। अब तक 2 बैंक लूट चुका है और तीसरा बैंक लूटने की फुल प्लानिंग में था, जिसके तुम मैनेजर हो। इसका मतलब कंगाल बैंक ऑफ कनाडा भी इसने लूटा है? जी हाँ सर, और लेना बैंक भी इसी ने लूटा था। ओहो मिस्टर चौटाला, क्या हाथ मारा आपने, तो कमाल कर दिया। कमाल करने के लिए ही जन्म लिया है सर हमने। करेक्ट। वाला एक्सक्यूज मी मॉम, आपको कैसे पता कि बिरजू ही कारपेट है? कल्प्रीट। या दिस वन। भाई इसका सारा क्रेडिट जाबे है आजाद को। मेरा स्टूडेंट? जी गुरुदेव, मास्टर जी आपका स्टूडेंट आजाद द ग्रेट तोता। भाई जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मैं खटोलास के यहाँ पहुंची तो मैंने देखा आजाद एक कोने में एकदम चुपचाप सा बैठा है। मैंने लगा इतना शरारती नोटी तोता सडनली इतना चुप खामोश। मैंने उसे पुचकारा, अपने पास बुलाया और तोता बोला।
मन्ने बेरा है कि जब थारा मालिक मिस्टर टटोला यहाँ से गायब हुआ तब तू वहीं मौजूद था, तूने सब देखा। इतु मन्ने बता के हुआ, थारा मालिक कहाँ गया? देख आजाद, तू कुछ बोलेगा नहीं तो मैं थारे मालिक को कैसे ढूंढूंगी? अपने मालिक से प्यार करता है ना तू? चल बता, बता क्या हुआ मिस्टर टटोला के साथ? मिर्ची खिलाऊंगी पाव भर? बैठ जाओ। हाँ, तभी मैंने दिमाग पे जोर दिया कि यार बिरजू, wherever heard this name, तो मन ने याद आया कि जब फर्स्ट टाइम तू टटोले यहाँ चौकी में आया था तो तेने एक फोन आया था किसी बिरजू का। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे पता लगा कि भाई ये टटोला तो तुड़ियागंज बैंक का मैनेजर है। तो मैनेजर हो? हाँ, सी द टाई एंड ऑल। लगते नहीं हो। जिसका चपड़ासी यो गरीबों का बोलबरीन बिरजू से। एंड देन 2+2=4। डालो सुसरे ने अंदर। चल मैं चढ़ला मान गया आपको, क्या दिमाग का इस्तेमाल किया आपने सच में। आज एक बात कह रहे हैं आपसे हैं? चलो कह देते क्या, आप जैसे अफसर के साथ काम करके ना हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। नहीं, गर्व वर्व को सर साइड में रहने दीजिए, मन ने आपसे प्रॉपर चल रही शिकायत। क्यों, अब क्या हो गया, हमने क्या किया? अब सर वो जो तोता है ना आजाद, उसने मन ने एक और बात बताई है कि आप हमारे लिए क्या कह रहे थे। अब क्या बता दिया उस तोते ने? वो सर मैं कान में बता सके, वो पब्लिकली अनाउंस करने वाली बात है नहीं। हम आते हो सर। तो तोते ने मारे से कहा कि हो बलविंदर जी आप यहाँ को खड़े हैं, मैं तो थोड़ा गाड़ी पार करने लग गया था। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। अरे ये है जी हमारी ईमान चौकी है जी। हाँ लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए? वेल ताकि आप हमारी मॉम से सके मिल इज द हसीना, अगर धड़कना है तो मैं हूँ दिल इज द मॉम। मॉम 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 क्या मॉम? बलविंदर जी आ गए जी। जीजू हमारे जीजू आ गए। जीजू मैं घनी घोष के आप आ गए। मम्मी मैं बताऊं आपकी इतनी तारीफ करे कि ब्रिज बांध देवे आपकी तारीफ के, पुल तो पुराने हो गए। अरे मैं ना मैं शादी में नहीं आई इसलिए आप अपसेट चल रहे ना। मैं शादी में फुल प्लानिंग थी मारी कि जाना ही है भैया, पम्मी सहेली ना है, सिस्टर। मैंने कहा जाना तो है पर आ नहीं पाई ड्यूटी। मन्ने मैं बताऊं जीजू, मन्ने यो दिखे कि मैं ना अपनी शादी में भी जा कोई ना पाऊंगी, प्रॉक्सी में किसी और को बैठाना पड़ेगा घूंघट में। पर देखिए जी, मैं आपको कहना चाहता कि मैं बलविंदर सिंह। अरे बलविंदर नाम जीजू, मैं तो नाम सुन के ही मैंने पम्मी से कही कि ये चॉइस, मतलब नाम अगले का ऐसा हो आदमी का कि लगे कि भाई घोड़े पे आ रहा चौड़े में, बलविंदर आई लाइक। हेलो मायसेल्फ चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे फ्रॉम हियर। बैठिए ना, खड़े क्यों आप? हाँ प्लीज जीजू कम ऑन। हाँ जीजू बैठो, आप बैठो बैठो ना जीजू। ओहो जीजू घना स्मार्ट हो रहा, स्कार्फ वगैरह ओ लाइक इट। ए गोपी। हाँ जी मम्मी जी। अबे समोसे चाय कोल्ड ड्रिंक्स लड्डू कौन लाएगा? भाई गोलू समोसे लेके आओ भाई। देखिए जी मैं एक मिनट वाइब्रेट हो रहा फोन। हेलो मम्मी। हाँ ए थारे हस्बैंड यहाँ पहुंच गए। अच्छा कतई उतावली हो रही। अरे तू टेंशन मत ले, मैं बढ़िया से खातिर करूंगी इनकी। हाँ लौंडा सही फंसा लिया तेने।
गुड गुड। देखिए जी, मैं आपसे कहना चाहता था कि मैं जीजू, मैं आपको एक बात बताऊं, जीजू साली का जो रिश्ता हुआ है ना, उसमें साली बोलती है ज्यादा, ऐसा चलन से। और मैं बताऊं जीजू, मैंने ना पिंक कलर का बढ़िया गोटेदार लहंगा बनवा लिया था शादी के लिए। मैंने सोचा था कि भाई बारात के आगे अगर घोड़ी के कोई लोट लोट के नाचेगा तो दैट विल बी मी, पर हुआ नहीं, ड्यूटी। सॉरी, मैं वो जरा स्कूटर वापस करने, मतलब पार्क करने गया था। आइए 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 ना, आइए 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 मैडम, आइए आइए मैडम, आइए 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 मैडम। ये मैं बलविंदर सिंह जी को ले आया। व्हाट डू यू मीन बलविंदर सिंह जी को ले आया हूँ? अगर तुम बलविंदर सिंह को लेकर आए हो तो गोपी किसे ले आया बे? भाई साहब, Who are you? मैं बलविंदर सिंह हूँ। गलत। बलविंदर सिंह जी ये हैं। क्यों पाजी? जी हाँ, मैं बलविंदर सिंह हूँ। मतलब यो भी बलविंदर सिंह और यो भी बलविंदर सिंह। सर, इन दोनों बलविंदर सिंह में से मतलब महाराज जीजू कौन सा है? मिश्राला, हमें लगता है बलविंदर सिंह वो है। वो थोड़ा स्वीट इनोसेंट दिखता है। ये थोड़ा सा ना स्मार्ट टाइप का है। जीजू, 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 यो ये क्यूट सा भी है। अरे जीजू, मैं घनी खुश कि आप चौकी में आ गए। अरे पम्मी का क्या है ना, पम्मी नॉट ए सहेली, पम्मी लाइक ए सिस्टर। और तुम्हारी मैं बताऊं इतनी तारीफ कर रहे हैं पम्मी की, मतलब ब्रिज बना दिए, तारीफों के ब्रिज, पुल तो पुराना हो गया। ये स्मार्ट एकदम जीजू, बढ़िया वाला है ये। इधर ला, अरे माल इधर ला, पार्टी हो है। कमाल है यार। समोसा एक ले लेता। अरे अरे सब आपका ही है जीजू। जीजू मैं बताऊं कि मैंने ना पिंक कलर का बढ़िया ना गोटेदार लहंगा सिलवा लिया था, कि भाई मैंने सोचा था अगर बारात में घोड़ी के आगे कोई लोट लोट के नाचेगा तो दैट विल बी मी। बिल्कुल। पर हो नहीं सका ना, ड्यूटी 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 ड्यूटी। बिल्कुल, लेकिन आप अब हो सकता है क्योंकि आप शादी में डांस कर सकती, क्योंकि मैं अब तक कुंवारा हूं ना। ये तो यू कैन ऑलवेज डांस इन माय शादी, नॉट अ प्रॉब्लम। सर, मिस चौटाला, हमें लगता है असली बलविंदर सिंह यही है। इतना चालू टाइप का भी नहीं है। आए, आए। वो जो शरीर दिख रहा है ना, वो हमें अभी चालू टाइप का लग रहा है थोड़ा। जीजू, जीजू बढ़िया वाला समोसा, एकदम आयल फ्री एकदम। अरे आप यो खाओ समोसा। ओहो सॉरी जीजू, वो थोड़ा ये नड़ाएगा ना कदा, चौकी में दोनों बेवकूफ, इनकी वजह से कंफ्यूजन हो गया। पम्मी के हस्बैंड तो आप हो। देखिए जी, मैं किसी भी पम्मी और शम्मी का हस्बैंड नहीं हूं, मैं भी कुंवारा हूं। मैं तो जी एयरपोर्ट पे टाइम पे पहुंच गया था जी। मैंने सोचा बिल्लू पहुंचे ना पहुंचे जी, मैं तो तख्ती पे लिखा हुआ था जी बलविंदर सिंह। ये मेरे पास आए जी, इन्होंने कहा मैं बलविंदर सिंह हूं। मैं कहा आओ जी, जी आया हूं, इनको ले आया जी फिर यहां पे मैं। हां जी, अगर आपने मेरा नाम लिखा तो मैं ही आऊंगा ना। यस। और मैडम, मैं मुझे लगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो भैया मेरी आपसे फिर शिकायत करेंगे, तो इसलिए मैं गया एयरपोर्ट पे और हाथ में कागज़ लेके खड़ा था, कागज़ पे लिखा हुआ था बलविंदर सिंह जी, तो ये आ गए मेरे पास, मैं इनको लेके आ गया यहाँ पे, हमारी कोई बात भी नहीं हुई रास्ते में। एक मिनट। अरे तेरी तो बलविंदर सिंह कोट पर महाराज जीजू इनमें से कोई नहीं है। मन ने तो दोनों बहरूपी दिखे। सच सच बताओ, रावणपुर में क्या करने आए थे, वरना छह की छह उतार दूंगी। देखिए जी, दरअसल हम दोनों ही बलविंदर सिंह हैं भी और नहीं भी। हाँ, मैं आपको असल बात बता देता हूँ, मैं शान हूँ। हाँ, तुम शान और यो सोले। नहीं नहीं, ये मिका सिंह है।
जी हाँ, मैं मीका सिंह हूँ और ये शान है, और हम दोनों अपनी मूवी बलविंदर सिंह फेमस हो गया की प्रमोशन के लिए आए थे। और यहाँ एयरपोर्ट में इन्हें देख लिया तो हमें लगा कि इवेंट वाले हैं तो हमें यहाँ लाने के लिए आ गए होंगे, तो इनके साथ आ गए यहाँ। अब तो यकीन हो गया ना कि मैं मीका हूँ और ये असली शान है। अरे बिल्कुल, अरे कहाँ गए? जी जी, बस बस आप लड्डू खाइए। अरे नहीं नहीं, ये समोसे आप खाइए। और भाई शान और मीका, मैं तो ये कहूँगी कि चाहे गलतफहमी का शिकार होके ही आप लोग यहाँ आए हो, पर आपने रंग जमा दिया और हमारी नीरस सी जिंदगी में एंटरटेनमेंट घोल दिया। और यो ही एंटरटेनमेंट आपकी फिल्म 26 सितंबर को पर्दे पे आने वाली है, और हमारा आपसे वादा है कि हम तमाम रावणपुर को घेर के आपकी फिल्म 26 सितंबर को देखने आएंगे, जिसका नाम है बलविंदर सिंह फेमस हो गया। सचमुच का थोड़ी बेटा जो दिखाओ यही है और क्या? सर एक बंदा प्रॉपर फ्रेम के अंदर से घुस, एक तो इनको शॉल मैंने सीन में पूरी उड़वाई थी, इन्होंने कन्वीनिएंटली उसको कंधों से नीचे उतार के। अरे मिश्रा, हमें अभी अभी याद आया हम सत्य। अच्छा टोटला गायब हो गए हैं? टोटला क्या? टटोला। टटोला सर, सर एक ना खटोला, वो टटोला उसमें बैठ गया। समोसा उड़ने का था।